व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शुमावो और आपका हमारे चैनल टेक्नोक्रेसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप शॉर्टकट वायरस को अपने पेनड्राइव से रिमूव कर सकते हो। कई बार होता है कि शॉर्टकट वायरस हमारे पेनड्राइव में किसी ना किसी वजह से आ जाता है, एंड उसके वजह से क्या होता है कि हमारे पेनड्राइव के अंदर जो भी कंटेंट्स वगैरह थे, जो भी फाइल्स फोल्डर्स या फिर जो भी हमने सेव कर रखी थी, वो कुछ भी हमें शो नहीं करती। एंड वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक शॉर्टकट टाइप का वायरस हमें शो करता है एंड हम किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते। तो कैसे इस वायरस को हम रिमूव कर सकते हैं एंड कैसे वापस से हमारे सारे उन कंटेंट्स को हम रिकवर कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, फिर वीडियो को एंड तक देखने का इन टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में सर्च कर लेना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट का आपको सर्च कर लेना है। सिंपल CMD लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। ऑलराइट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको सबसे पहले करना यही है कि आपको सबसे पहले आपके पेन ड्राइव को एक्सेस करना है। तो CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने पे ये नॉर्मली सिस्टम 32 आपका जो सी ड्राइव आपके कंप्यूटर में जहाँ पे आपने विंडोज को इंस्टॉल किया है वहाँ पे ये खुलेगा। तो आपको सबसे पहले उस ड्राइव को इंस्टॉल करना है जहाँ पे आपका पेन ड्राइव है, तो हमारे केस में वो है ई ड्राइव। तो सिंपल हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे E&colon। ऑलराइट, तो देखिए इसने अभी ई ड्राइव को एक्सेस कर लिया है। इसके बाद आपको जो कमांड लिखना है वो है attrib attrib स्पेस हाइफेन s स्पेस हाइफेन r स्पेस हाइफेन h स्टार डॉट स्टार स्पेस फॉरवर्ड स्लैश s स्पेस फॉरवर्ड स्लैश d स्पेस फॉरवर्ड स्लैश l। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस कमांड को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हैं एंड फिर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा एंड इसके बाद देखिए इसने इसको प्रोसेस कर लिया है एंड हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अगर आप देखेंगे आपको दो फाइल्स मिलेंगी। बेसिकली इसने सारे जो भी कंटेंट्स थे हमारे इस पेन ड्राइव में इसने इसको रिकवर कर लिया। तो देखिए सारे कंटेंट्स यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं, बहुत सारे कंटेंट्स थे इस पेन ड्राइव में, तो वो सभी अभी रिकवर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ रिकवर हो चुका है। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बहुत ही ईजी प्रोसेस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कर देना, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर रहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक के रिगार्ड कोई वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर उस टॉपिक के बारे में मुझे नॉलेज होगी तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा। तो इतना ऐसा वीडियो में, फिर मिलते हैं कोई अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।